जगत हो, राजनीति हो या क्षेत्र हो व्यापार, जुर्म फरेब की हर गली से गुजरे जो कह के खबरदार, झूठ का पर्दाफाश करेगा सच का पहरेदार, हर तरह की खबरें लेकर पेश है मुंबई रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं सैयद शादमा और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार न्यूज। बहुत खुश हैं हम, क्योंकि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ओल्डर वुमेन एंड यंगर मैन, वो हमने तो ऐसे सोचा था कि एक साल कंप्लीट हो जाएगा ना तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, बट ये तो हमने 300 एपिसोड कर लिए एक साल से भी ऊपर, सो वी ऑल आर वेरी हैप्पी एंड इट हैज़ एनकरेज्ड अस अ लॉट। बहुत सारी मेमोरीज है लेकिन वो यूजुअली ऑफ कैमरा होती है। अभी एक हार्नेस पर हम लोग ने एक स्टंट किया था, उसमें वो शायद एडिट हो गया लेकिन वो करने में मुझे बहुत मज़ा आया था। और ऑफ स्क्रीन तो हम लोग बहुत मस्ती करते रहते हैं, देयर हैव बीन सो मेनी मेमोरीज। हमारी पार्टी जो होने वाली है, पिछली पार्टी 200 पे हुई थी, वो भी बहुत अमेजिंग पार्टी थी, हम लोग ने एक दूसरे का एक अलग ही रूप देखा था, तो वो भी इट वॉज वेरी गुड। मेरा जो शुरू द वे वी स्टार्टेड द शो, वो मुझे बहुत अच्छे, द फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट 25-30 एपिसोड्स मेरे फेवरेट रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सिंपल और वो एक मैच्योर्ड वुमेन और उसका एकदम वैसा वाला यंग बॉय एंड एकदम बिंदास एंड शी इज़ वेरी कंट्रोल्ड, एंड वो जो बेसिक हमारा जो था, जो उसके बाद ऑफकोर्स विद द स्टोरी वी हैव टू चेंज हियर एंड देयर, तो वो मुझे 25 एपिसोड्स शुरू के बहुत अच्छे। आई थिंक आई हैव टू स्टॉप काउंटिंग नाउ एंड आई होप, यू नो, किसको ये मौका मिलता है कि एक शो में इतनी बार शादी करो। एक तो आपके पास एक लड़का ऐसा है जो आपसे उम्र में छोटा है 18 साल, वो दैट्स ओनली इन फैंटसीज, और ऊपर से फिर देन यू गेट सो मैनी बॉयज़ ऑल्सो, सो मैनी मैन यू कैन गेट मैरिड टू, इट्स लाइक अ वेराइटी, कौन सी एज का चाहिए कौन सी एज का चाहिए, वैसा वाला है मेरे साथ। हमारी एक श्रुति एक कैरेक्टर आई हैं, तो वो अफकोर्स रिप्लेस होकर आई हैं, तो उनका भी बर्थडे था तो साथ लगे हाथ। हमारा ऐसा होता है 200 पे भी हमने किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, डू रिमेंबर, तो और आज भी हमने श्रुति का बर्थडे सेलिब्रेट किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे, 300 एपिसोड मतलब हमने 16 महीने से शूटिंग की है एंड मैं कर पा रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मेरी माँ खुश है, मेरे डैड खुश है, तो आई थिंक दैट्स ग्रेट एंड सबने मेहनत की है। क्रेडिट गोज़ टू द कास्ट, क्रू, द प्रोड्यूसर्स, द चैनल, एवरीबॉडी हु इज एसोसिएटेड विद द शो, एंड आई थिंक हम सबके लिए बहुत ही सुकून वाला दिन है। टाइप्स वी आर हैप्पी दैट वी कम्प्लीटेड 300। हालांकि हमारे शो का कॉन्सेप्ट अलग था, छोटा लड़का बड़ी उम्र की औरत, ऐसा कॉन्सेप्ट में भी बहुत सारे लोग नहीं देखना चाहें और लेकिन लोग देख रहे हैं और अभी भूत प्रेत वाली भी चीज़ें देख रहे हैं। देर आर अ लॉट एक्चुअली, बट आई थिंक आई रिमेंबर दिस, देर आर अ फ्यू बट आई मेंशन अ न्यू वन। देर इज वन इंस्टेंस वेयर आई थिंक वी वर शूटिंग अ सीक्वेंस आउटडोर एंड देर इज अ बिग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हू कम्स एंड क्वेश्चंस आवर लव स्टोरी, कि कैसे पॉसिबल है कि तुमसे उम्र में बड़ी है। हालांकि बड़ी अम्मा भी बार बार यही कहती थी कि वो तो उससे उम्र में बड़ी है, ये कैसा चलेगा, उसको फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मैंने सिंपली कहा कि यार तुम सबकी प्रॉब्लम क्या है, वो मेरा लुकआउट है, यू नो, वो मेरा लुकआउट है। अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ और मुझे उनके साथ ज़िंदगी बितानी, वो मेरा लुकआउट है, आप क्यों बीच में पड़ रहे हो। स्वीट, आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत अच्छे हो, आपको मेरी फिक्र है, मैं समझता हूँ ये सब, लेकिन वो मेरा लुकआउट है,
मेरी ज़िंदगी है, मेरे बंद कमरे में क्या होता है कि आप झांक के देखने वाले हो? नहीं ना। तो ये मैंने डायलॉग्स के थ्रू सोसाइटी को कहा, सबको ये कहा कि इफ़ यू कैन डांस लाइक देयर इज़ नोबडी वॉचिंग, व्हाई नॉट फॉल इन लव लाइक देयर इज़ नो एज काउंटिंग। तो मुझे मौका दिया जी ने एक्चुअली ये सब डायलॉग्स और ये सब चीज़ें बोलने का, तो इट वॉज़ नाइस। एक इम्पैक्ट क्रिएट हो गया कि हाँ, एक लड़का है 24 साल का साहिल, जो दुनिया को बोल रहा है तुम लोग जाओ तेल लगाने ब्रो, क्योंकि मैं करता हूँ प्यार किसी से जो मुझसे उम्र में बड़ी है, और मैं देखता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल नहीं। तो अच्छा लगा किसी एक्सपीरियंस में। यू गाइज़ आर नॉट फैंस, यू गाइज़ आर फ्रेंड्स, और जैसे मैं कह चुका हूँ कि मे बी आपका प्रोफेशन हमारे प्रोफेशन से और इम्पॉर्टेंट हो या तो बहुत नोबल हो, तो मैं आपसे सब थैंक यू कहना चाहता हूँ हमारे शो को देखने के लिए, और होप सके तो आगे चल के भी देख लेना। हाँ, मैं चाहता हूँ कि भूत आए हमारे शो पर, लेकिन डरना नहीं, देखना, क्योंकि आई एम श्योर जल्दी ये ट्रैक खत्म हो जाएगा। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।